अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शेर हिंद पे मैं दोस्त सलमान खान साहब कई दिनों से जो है कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि टीपू सुल्तान पे वो इतना टीपू सुल्तान साहब पे इतना काम कर रहे हैं, 20 नवंबर को उनकी जयंती भी है, उस पर वो काम करना चाहते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सब लोगों का जो सलमान खान साहब के ग्रुप में हैं, अनवर हाशमी साहब, इरफान मेनन, इमरान अशरफी, शेख इमरान एस के, नदीम अहमद, रहीम राही साहब का, जिन्होंने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई, मुख्तार हुसैन साहब वालेकुम बहुत आवाज़ उठाई। और जब मैं पिछले 7 महीनों से जेल में रहा, उन्होंने डीएम से मिले, मजिस्ट्रेट से मिले और मेरे लिए रिहाई की मांग उठाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गुजारिश यही रहेगी कि ज़िंदगी जो है बहुत इम्तिहान ले रही है, अल्लाह आजमाइश ले रहा है, पर अल्लाह ने शायद कुछ अच्छा ही सोचा होगा, अल्लाह की कुछ मसलहत रही होगी। तो बस यही कहना चाहूँगा कि दुआओं में याद रखिए। और अभी जंग बहुत लंबी है, बहुत से कंफ्यूजन है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, डॉक्टर रहूँगा कि नहीं रहूँगा, और योगी जी से डर के गोरखपुर से भाग गया हूँ। तो बाप को ये बता देना चाहता हूँ कि ना मैं गोरखपुर छोड़ा हूँ, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रहूँगा, वंस अ डॉक्टर इज ऑलवेज अ डॉक्टर। इलियास खान साहब अस्सलाम वालेकुम। तो पर यह जरूर है कि एक्टिविज्म जो है अब डॉक्टर कफील में घुस चुका है, क्योंकि जेल जाने से पहले यह एहसास नहीं था। बीआरडी ऑक्सीजन में जो बच्चे मरे उससे पहले एक मामूली सा डॉक्टर था जो गोरखपुर के छोटे से शहर में अपना काम, हॉस्पिटल जाता था, घर आता था। पर अब एक जज्बा है अपने देश के लिए करने का, अपने लोगों के लिए करने का। तो जो भी किसी के ख़िलाफ़ भी कुछ भी जुल्म हो रहा हो पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहूँगा। और आप सबके मदद से, सहयोग से इंशाल्लाह जो है जो काम सोचा हुआ है हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि हर गरीब अमीर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, उसको मुफ्त में इलाज मिले, उसके घर के पास मिले, उसके अच्छी से अच्छी इलाज सुविधाएं मिले, हर बच्चा जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आईआईटी जाए, वो भी आईएम जाए, वो भी एम्स में बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जर्नलिस्ट बने, एमबीए करे। और जो है मैं बता देता हूँ बार बार सबसे कहना चाहता हूँ आपके इस शेर हिंद पेज के माध्यम से, ये कहना चाहूँगा जरिए से ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो होता है, एजुकेशन जो होती है किसी भी सोसाइटी का, अगर आपकी अपनी कौम को आगे बढ़ना है, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज मैं अपनी लड़ाई अगर लड़ पाता हूँ क्योंकि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान ने मुझे पढ़ाया, पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, तभी मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा पाया और आज इतना बड़ी जद्दोजहद कर सका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी पढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खासकर लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। माँ जो होती है पहली टीचर होती है, माँ को जो पहली शिक्षा देती है वही है माँ शिक्षक होती है। तो इसलिए एक लड़की को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल इंटर से काम नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन कराइए, पोस्ट ग्रेजुएशन कराइए। तो यही कहूँगा। और दूसरे ये कहना चाहूँगा कि नौकरी सबको मिले, हर हमारे सबको बच्चों को नौकरी मिले, हम पढ़ लिख के जब पढ़ लिख लें तो नौकरी मिले। तो बाकी कुछ और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दीजिएगा। ठीक है शेरिन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको घर में सलाम कहिएगा, आसपास लोगों ने जिन्हें दुआ की है उनको नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद, जय भारत।